कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। के रितिका हो है? और अभी बच गए हैं 8, हम जा रहे हैं खेत। मौसम चेंज हो गया है, ये देखिए आज फिर से ठंड हो गई है। बारिश तो आई नहीं, बस बूंदाबांदी हुई थी, पर मौसम ऐसा हो गया है हमारे यहाँ का। तो और आज है संडे, हाँ गाल लिए। गेट खोल दे शांतिया। अच्छा शांतिया समझा दो थम। नू के देखा है अड़े बैठ लियो। तो जी अभी पहुंच गए हैं खेत और बस अभी अपने काम पर लग जाते हैं। वैसे मौसम तो आज इतना अच्छा है नहीं, ओस ज्यादा है। अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकलनी स्टार्ट हो गई है और ओस में कटाई का काम होता नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ी सी देर में धूप हो जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी करके कटाई कर लेंगे क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा हमारी सबसे लामनी आई भी नहीं है, पर हम दो जन हैं तो इतनी जल्दी से कट भी नहीं पाती है। काफ़ी दिन लग जाते हैं, हम करका करते हैं फिर आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ही हो पाता है, एकदम जितना ज़्यादा काम हो नहीं पाता। कल बस ये एक फेर काट कर गए थे हम, शाम को फिर आए नहीं। और ये देखिए ये राई है, हमने बीजी नहीं थी पर हमारी सरसों में काफी है। ये अचार वगैरह में ढूंढने में बड़ी अच्छी रहती है। ये हमने अलग निकाल रखी थोड़ी थोड़ी, आज अंधे ठाले चल रहे इस राई ने कमरा गए। तो जी चलिए अभी लग जाते हैं अपने काम पर। तो जी अभी एक फेर कट गया है और उसके बाद फिर हम आ गए हैं चाय पीने के लिए। चाय मैंने बना ली है। अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर एक फेर और काटेंगे और फिर जाएंगे घर। तो जी अभी घर पर आते ही मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में, और खाने में मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च की चटपटी सी चटनी बनाई है। और वैसे खेत का काम रहता है तो ज़्यादातर सुबह के खाने में चटनी ही बनती है, शाम को सब्जी बना लेते हैं। और शाम को कुछ ना कुछ चटपटा बन जाता है, बच्चों की फरमाइश हो जाती कुछ ना कुछ खाने की, तो फिर शाम का खाना ही नहीं हो पाता है, हल्का फुल्का खाना होता है। आजकल हमारी रूटीन कुछ ऐसी ही चल रही है। रितिका ने आटा वगैरह गूंथ कर रख रखा था, तो आते ही ये लग गई है रोटियां बनाने में, और तब तक मैंने ये चटनी बनाकर तैयार कर ली है। वैसे इन दोनों बहन भाई का खाना हो गया था, इन्होंने हमारे आने से पहले ही खाना बनाकर खा लिया था। अभी शांत फिर से बैठ गया है खाने के लिए। बच्चों का ये होता है कि देख कर फिर से भूख लग जाती है।
और ये देखिए रितिका बिल्कुल पतली पतली रोटियां बनाती हैं, वैसे मैं थोड़ी सी मोटी रोटी बनाती हूँ, रितिका मुझसे ज़्यादा अच्छी रोटियां बना लेती हैं, बिल्कुल पतली पतली। तो जी अभी खाना बनाएंगे, उसके बाद फिर खाना खाकर थोड़ी सी देर करेंगे आराम, और फिर 3 बजे बस फिर से हमें खेत जाना है। और खाना लेकर हम इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि शाम को फिर हम सानी वगैरह डाल कर चले जाते, नहीं तो बच्चे फिर पीछे से सानी वगैरह डालें तो फिर ये परेशान हो। अभी बज गए हैं 7:15 और किचन में एंट्री हो गई है। 7:15 शुभ मुहूर्त हो गया है किचन में आने का। और ये दोनों बहन भाई आजकल खाने में थोड़ा सा ज्यादा ही जोर रखते, खाने में नहीं बनवाने में, तो अभी ये तैयारी में लगे हुए हैं। और आज तैयारी की है दोनों बहन भाई ने चाट बनाने की, टमाटर वगैरह रितिका ने ही कट किए हैं। और ये टमाटर और प्याज रितिका बड़े अच्छे कट करती है, ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक, मुझसे कभी भी इतने बारीक बारीक टमाटर प्याज कट नहीं होते हैं। खिल गई रितिका तो, थोड़ी सी बड़ाई कर दी तो है खिल गई के। ये तो मैंने बना दी बना दी, खान पीन का ये प्रोग्राम चालू ना करा प्रथा, ये है थारी का तेरे तो बनाऊंगी मैं, पेट का बंद कसाऊंगी। और ये आलू बाल रखे हैं मम्मा आपकी, हम तो खेत से आए थे, रुक जाओ, हम खेत से आए थे 6:30 बजे के आसपास, एकदम से मौसम चेंज हो गया था, आंधी आ गई, बारिश इतनी ज्यादा आई नहीं, वैसे अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश आई हुई है, 2-3 दिन से मौसम तो ऐसा ही चल रहा है। ठाकुर साहब ने जला दी चूल्हे में आज चाट चढ़ा दी के बूंद गई के, एक दो बूंद आई हुई है। शांति है तो जी आज हम बनाने वाले हैं बनारस की फेमस टमाटर की चाट, और ये हमेशा देसी घी में ही बनाई जाती है। तो घी हमारा गर्म हो गया था, सबसे पहले मैंने डाल दिया 1 चम्मच जीरा, जीरा हल्का सा चटकने के बाद फिर मैंने डाल दी थोड़ी सी कुटी हुई अदरक, 2-3 हरी मिर्च, और अभी इसमें मैंने डाल दिए हैं ये 5-6 काजू, इनको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया था, अगर घर पर हों तो डाल दें नहीं तो स्किप कर दें। और अभी इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया, और ये लाल मिर्च सिर्फ मैंने कलर के लिए डाली है, इतनी ज़्यादा तीखी नहीं है, इस बार हमारे घर में मिर्च कुछ ऐसी ही आई हुई है। मसालों को मैंने अच्छी तरह से घी में भून लिया, उसके बाद फिर डाल दिए टमाटर, टमाटर डालकर 2-3 मिनट के लिए मिक्स किया, और अभी इसमें मैंने नमक डाल दिया है, काला नमक और सफ़ेद नमक, काले नमक के बगैर तो चाट का टेस्ट अधूरा रहता है। अभी इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, 1/2 कटोरी पानी की डाली है मैंने, अभी ढककर 10-15 मिनट के लिए पका लेंगे, और तब तक हम हमारी चाट के लिए एक चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने 1 गिलास पानी डाला है, और इसमें 4 बड़े चम्मच हम डाल देंगे चीनी के, और इसमें 1 चम्मच हम डालेंगे भुना हुआ जीरा, और ये जो जीरे वाली चाशनी है इसके बगैर ये चाट अधूरी रहती है, या फिर ये लगा लीजिए कि चाट के टेस्ट को डबल कर देती है। अभी चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है, चाशनी बस हमें इतनी ही बनानी है जैसे कि हल्की हल्की हाथों पर चिपकने लगे, तार वगैरह कुछ भी बनाकर तैयार नहीं करना है। तो चाशनी हमारी बन गई थी, और तब तक टमाटर भी हमारे पक गए हैं, अभी टमाटरों को हम हल्का हल्का मैश कर लेते हैं, और कड़छी से ही मैश हो जाते हैं। अभी टमाटर को मैश करने के बाद फिर मैंने डाल दिए हैं आलू, और आलू हमें जितने हमने टमाटर लिए उससे 1-2 आलू कम डालना होता है, आप देख लें जितने हमने टमाटर लिए हैं, मैंने अंदाज से ही लिए थे तो उससे 1-2 कम मैंने आलू डाला है। अभी आलू डालकर आलू और टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अभी इसमें हम डालेंगे कुछ स्पेशल से मसाले। सबसे पहले मैंने डाली है 2 चम्मच इमली की खटाई, अगर खटाई हो तो उसको थोड़ी सी देर के लिए भिगो कर रख दें, वो पानी डाल सकते हैं आप, पर मेरे पास खटाई रखी थी तो मैंने खटाई डाल दी। 1 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाला है, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा ये मैंने लास्ट में हरा धनिया डाल दिया है, अमचूर पाउडर ज़रूर डालें, अगर घर पर अमचूर पाउडर ना हो तो 1/2 नींबू डाल दें, इससे टमाटर का जो खट्टापन होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो अभी चाट हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। तो जी अभी चाट हमारी हल्की सी ठंडी हो गई है, वैसे तो चाट गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती, पर इतनी भी गरम ना हो कि मुंह जल जाए, तो मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया है।
तो सबसे पहले तो हम डालेंगे देसी घी। देसी घी के बगैर तो ये चाट कंप्लीट ही नहीं होती है। उसके बाद फिर मैंने डाल दी है इमली की खट्टी मीठी चटनी। हमारे घर पर रखी रहती है तो मैं लगभग चाट में ये चटनी ही डालती हूँ। आप चाहे तो जो सौंट वगैरह की चटनी होती है वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। अगर आप नमक थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा नमक और डाल सकते हैं। और अभी जो मैंने ये स्पेशल जीरा वाली चाशनी बनाकर तैयार की है वो डाल दी है। चाशनी थोड़ी सी ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि इसमें मेन काम हमारी ये चाशनी ही करेगी। थोड़ी सी प्याज डाली है मैंने, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे और उसके बाद फिर हम डाल देंगे ये थोड़ी सी भुजिया। और ये हमारी हो गई है बनारस की स्पेशल टमाटरी चाट बनकर तैयार। और ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं लगता है, सारी चीज़ें घर पर ही मिल जाती हैं। आलू और टमाटर ये दो ऐसी सब्जियां जो हमेशा घर पर रहती हैं। तो अभी प्लेट हमारी लग गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और सबसे पहले अभी मैं शांत को खिला देती हूँ क्योंकि इसी की फरमाइश हो रखी थी चाट बनाने की, और ये सो गया था क्योंकि आज खाना बनाने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। वैसे ही शांत की आदत है, ये सो जाता है फिर मैं इसको जगाती हूँ तो उठकर ये दूध भी पी लेता है और खाना भी खा लेता है। ये इसकी एक अच्छी आदत है, कभी कभी हो जाता है हम लेट हो जाते हैं खाना बनाने में। तो अभी ठाकुर साहब भी लगे हुए हैं घर के काम पर क्योंकि आज मैं चाट बनाने में लगी हुई थी। तो मेरा जो बाहर का काम था थोड़ा बहुत, वैसे मेरा तो काम शाम को खाना बनाने का ही होता है, तो एक दो जो काम एक्स्ट्रा होता है वो ये करवा देते हैं। अभी हम ये घास लेकर आए थे, ये फैलाकर छोड़ देते हैं, और घास का यही है फैलाकर छोड़ना पड़ता है, नहीं तो फिर कट्टे में रखे रखे गर्म हो जाता है और वो पशुओं के लिए भी अच्छा नहीं होता है अगर हम ऐसे बंद घास को रख देते हैं। और आज हमारा दूध फट गया है, पता नहीं क्या बात है, कटावनी में दो तीन बार आँच लगाते हैं तभी अच्छा रहता है। एक दिन मैं भिवानी गई थी उस दिन भी फट गया था, और आज भी मैं सुबह गर्म रख कर गई थी, अभी आकर देखा तो ये फटा हुआ ही था। अच्छा नहीं पड़ी रही निवर में आपको निकल गायब हो गई सारी, मैं ये कपड़ा रख कर छोड़ दी तो बस आड़ा है वो दे रहा था वो भी कोई पाव नहीं क्या चीज वो ढकना को नहीं आती थी इसमें मट्टी का ढकन का बेरा कौन चलो कढ़ावनी ने गाड़ी कौन छोड़ दिया रात में प्लेट ढक दे वो तो केवल केवल ढकन ही नहीं इसका है बस ओके देखिए केक उड़ाया केक उड़ा था भांडे इतने हो रहे हैं सिंक ठंडा हो गया है बस। तो जी अभी 9 बज गए हैं और काम सारा निपट गया है, आज काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया है। और जिसमें आज चाट बनाई थी, और चाट तो खाने में बड़ी ही अच्छी बनी थी, बहुत ही पसंद आई घर में सबको। और ईशान तो बस खाना खाने के लिए उठा था फिर से सो गया है, और इसी ने जिद पकड़ रखी थी और बनते बनते ये सो गया। चलो कोई नहीं, थोड़ी सी मैंने इसके लिए रख दी है, सुबह उठकर खा लेगा क्योंकि अभी तो इसने सोते हुए खाई है ना, तो सुबह उठते ही फिर से इसकी खाने की जिद होगी, मुझे पता है इसका। तो आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी सेहत का ढेर सारा ख्याल रखें क्योंकि आजकल बीमारियों का सीजन चल रहा है, और हमारे घर में तो एक बार सबका नंबर आ चुका है। वैसे मैं और रितिका तो इतने ज़्यादा बीमार नहीं हुए, मुझे तो बस हल्की सी सर्दी की शिकायत हुई थी। ईशांत और ईशांत के पापा ये दोनों ज़्यादा बीमार हुए हैं इस बार हमारे घर में, और गांव में भी सुनने में आ ही जाता है लगभग सभी घरों में कोई ना कोई बीमार चल रहा है अभी इस टाइम पर। तो सेहत का थोड़ा सा ज़्यादा ही ख्याल रखें, स्पेशली बच्चों का, क्योंकि हमारा तो फिर भी हम काम चला लेते हैं, थोड़ी बहुत तबीयत डाउन होती है तो बच्चों की तबीयत डाउन होती है ना, तो फिर बच्चे भी परेशान होते हैं और हम भी परेशान होते हैं। वैसे तो घर में कोई भी बीमार हो जाए तो परेशानी होती है, लेकिन बच्चों की ज़्यादा होती है, टेंशन भी ज़्यादा होती है। तो जी चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, क्योंकि मैं बोलने लगती हूँ तो फिर मेरी बोलने की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। आजकल बस कैमरा ऑन करती हूँ फिर बोलने लगती हूँ तो बोलती रहती हूँ।